हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सिंपल रोहू फिश फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अक्सर हम इसे स्टार्टर के रूप में बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इजी रेसिपी को आप जरूर देखिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फिश फ्राई बनाने के लिए हमने रोहू फिश लिया है, जिसे हम ऐसे राउंड में कटवा लिए हैं और इसे हम 2 से 3 बार वाश करके रख लिए हैं। तो अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम नींबू का रस डालेंगे। हमने 1 नींबू के रस को निचोड़ के निकाल लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे, यानी कि चने का आटा। तो ऐसे हम घुमाते हुए डालेंगे। अब हम डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। अब हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा नहीं है आपके पास तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चारों तरफ अच्छे से मैरिनेट हो जाना चाहिए। मसाला, बेसन, चावल का आटा हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और तेल के साथ भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि फिश पे अच्छे से मैरिनेशन हो जाना चाहिए। फिश में मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से मसाला मछली में मिक्स हो चुका है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने 1 कढ़ाही में 2 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, यानी कि तेल से धुआं निकलने लगना चाहिए, तभी सरसों के तेल में बना हुआ रेसिपी अच्छा लगता है। बन चुका है, यानी कि काफी हीट है। आप देख सकते हैं उसमें हल्का हल्का धुआं जैसा आने लगा है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर लेंगे और उसमें हम मैरिनेशन वाला फिश डालेंगे। तो एक एक फिश हम आराम से डालेंगे क्योंकि तेल काफी गर्म रहती है। तो ऐसे हम आराम आराम से एक एक फिश डाल देंगे। एक बार में जितनी फिश आ सके उतना हम डालेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई होने देंगे, फिर हमें फिश को छूछा करना है। हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पे, फिर हम फिश को टर्न करेंगे। एक साइड से हमने 4 मिनट तक फिश को फ्राई किया है। अब हम एक बार इसे चेक कर रहे हैं। तो 1 चम्मच की मदद से हम इसे आराम आराम से फूल देंगे।
आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कढ़ाई अपनी चीज फ्राई हुई है। अब हम सभी चीज को ऐसे ही उलट लेंगे। सावधानी से उलटना है। अब हम दूसरे साइड से भी 4 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। दूसरे साइड से भी 4 मिनट तक हमने दूसरे साइड से भी 4 मिनट तक चीज को फ्राई कर लिया है। अब हम एक एक चीज को एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से चीज अपनी करारी हो चुकी है। अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। चीज 4 से 8 मिनट तक फ्राई कीजिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो अब हम एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख लिए हैं और चीज को ऐसे टेढ़ा करते हुए अब हम एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख लिए हैं और चीज को हम ऐसे टेढ़ा करते हुए एक्स्ट्रा तेल गिरने देंगे और इससे भी जो तेल बचा है वो पेपर ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे हम सभी चीज को टेढ़ा करते हुए निकाल लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया फ्राई हुआ है, समय भी कम लगा है। ये बहुत आसान चीज फ्राई रेसिपी है। अभी इसी पैन में हम बाकी के फिश फ्राई करेंगे। फिश को हमने प्लेटिंग कर लिया है। इस फिश को बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप कभी भी स्टार्टर के रूप में बना के ले सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये सिंपल फिश फ्राई की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।